नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम शास्त्री। मैं आज आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगी जिसको घर में लगाने से या घर के मुख्य द्वार पे लगाने से आपके जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा का स्रोत बढ़ेगा और आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। तो आज मैं ऐसे पौधों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो वास्तु के साथ बहुत ही जुड़ा हुआ है। वास्तु मतलब पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो। वास्तु के साथ पौधों का क्या संबंध है, आज हम कुछ ऐसे ही विशेष पौधों के बारे में बात करेंगे। घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो के साथ वास्तु का स्पेशल संबंध है और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको लगाने से विशेष रूप से वास्तु अनुसार आप लगाते हैं तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। तो आज हम उसी तरह के पौधों के बारे में बात करेंगे जिनसे आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा बढ़े और आपके जीवन में समृद्धि आए। तो पहला पौधा है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि सिर्फ आयुर्वेदिक गुणों से समृद्ध नहीं है, बल्कि तुलसी का पौधा सुबह भी ऑक्सीजन देता है और शाम को भी ऑक्सीजन देता है। तो तुलसी का पौधा का विशेष ही महत्व है। तुलसी का पौधा अगर आप घर के उत्तर में लगाते हैं या उत्तर पूर्व कोण में लगाते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली का संभार आता है। तुलसी का पौधा आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बहाता है और साथ ही आपके जीवन में धन की वर्षा करता है, क्योंकि तुलसी का पौधा लगाने से घर में लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान की भी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए तुलसी का पौधा लगाना अवश्य ही जरूरी है। जैस्मिन प्लांट यानी कि चमेली का पौधा। अगर आप अपने घर में चमेली का पौधा लगाते हैं और इसको भी मुख्य द्वार पे लगाते हैं तो घर में महकती खुशबू के साथ साथ धन को भी आकर्षित करता है। तो इसीलिए जैस्मिन का पौधा भी बहुत शुभ माना गया है। मनी प्लांट। मनी प्लांट लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी तो होती है, साथ ही फेंग शुई अनुसार मनी प्लांट आपके घर में धन की वर्षा भी करता है। मनी प्लांट को आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं या घर के बाहर भी लगा सकते हैं। मनी प्लांट का आप एक डंडी भी लेके अगर पानी किसी बॉटल में डाल के अगर लगा देते हैं और उसकी बेल ऊपर की तरफ चढ़ती है तो मनी प्लांट के पौधे को बहुत ही शुभ माना गया है। मनी प्लांट घर में बहुत ही शुभ ऊर्जा का प्रदान करता है, साथ में धन की बढ़ोतरी भी करता है। पाम ट्री एक ऐसी ट्री है, मतलब ऐसा पौधा है ये। इसको लगाने से आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसको प्यूरिफाइंग प्लांट भी बोला जाता है। इसको अगर आप घर के मुख्य द्वार पे लगाते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा का बहाव बढ़ता है और इसका देखरेख करना भी बहुत आसान है। एक बार पौधे लगाने के बाद आपको सिर्फ पानी डालना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। इस पौधे को लगाने से आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा के साथ साथ आपके घर में सुख समृद्धि की भी वृद्धि होती है। इस पौधे को भी आप अवश्य ही अपने गार्डन में शामिल करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक और ऐसे प्लांट के बारे में जिसका नाम है फर्न प्लांट। फर्न प्लांट पॉजिटिव एनर्जी तो देता ही है, ये बहुत आकर्षक भी होता है। इसको लगाने से आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा के साथ साथ सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। अगर आप इसको मुख्य द्वार पे लगाते हैं तो आपके घर की सौंदर्यता को भी ये बहुत बढ़ाता है। तो फर्न का प्लांट भी अवश्य ही लगाएं। इसको बहुत ही लकी चर्म प्लांट भी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे अपराजिता के बारे में। अपराजिता का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको विष्णु प्रिया विष्णु कांता भी कहा जाता है। ज्यों ज्यों अपराजिता का प्लांट की बढ़ोतरी होती है, उसकी बेल जैसे जैसे ऊपर चढ़ती है, कहते हैं कि घर में खुशी धन और समृद्धि का आगमन होता है। अपराजिता का पौधा जो होता है ये दो कलर का होता है, एक वाइट यानी कि सफ़ेद और एक होता है बैंगनी यानी कि पर्पल कलर का। सफ़ेद अपराजिता का फूल जो होता है और इसका पौधा जो होता है ये धन को आकर्षित तो करता ही है, साथ में आपको संकट से भी बचाता है। इस पौधे को लगाने से आपके घर में धन वृद्धि के साथ साथ संकट मुक्ति का भी उपाय हो जाता है। तो इस पौधे को भी आप अपनी गार्डनरी में अवश्य ही शामिल करें। नील अपराजिता आपके घर में धन आकर्षण करने के साथ साथ आपके जीवन में बुद्धि का भी स्रोत देता है और आपके घर की सौंदर्यता को भी बढ़ाता है। इसको भी आपको मुख्य द्वार पे लगाना चाहिए और ये इसकी बेल को भी आपको उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। इससे आपके घर में धन और समृद्धि की बढ़ोतरी होगी।
और हाँ दोस्तों, कोई भी बेल जैसे मनी प्लांट हुआ, अपराजिता की बेल हुई, इन सबको आपको दक्षिण दिशा में नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। इनको अवश्य ही उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाएंगे तो इसके सही फल आपको प्राप्त होंगे। शमी का पौधा, वास्तु के अनुसार अगर आप अपने घर में शमी का पौधा लगाते हैं, शमी का पौधा लगाने से आप शनि ग्रह के प्रकोप से बच जाते हैं और शनि देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं अब ऐसे एक वृक्ष के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके लगाने से अगर घर में कोई अशुभ पौधा लगा हुआ है, जाने अनजाने में आपने लगा दिया हो, तो उस पौधे का अशुभता का फल नष्ट हो जाता है। जी हाँ, अशोक का वृक्ष। अशोक का वृक्ष लगाने से आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा तो आती ही है, साथ में घर में किसी भी प्लांट की अशुभता अगर आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है, साथ ही साथ घर की नेगेटिव एनर्जी को भी ये ख़त्म करता है। इसको आप घर के बाउंड्री के अंदर या घर के बाउंड्री के बाहर भी लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं एक ऐसे ही और एक पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके लगाने से भी आपके घर में अगर कोई अशुभ प्लांट आपने लगा दिया है जाने अनजाने में, तो भी उसकी अशुभता का फल खत्म हो जाता है। वो है आंवले का पौधा। आंवले का पौधा का आयुर्वेदिक गुणों के साथ साथ वास्तु रूप से भी इसका बहुत ही महत्व है। आंवले का पौधा आप घर में जब लगाते हैं तो ये पॉजिटिव ऊर्जा तो देता ही है, साथ में औषधीय गुण भी आपको प्रदान करता है, तो अवश्य ही आप आंवले का पौधा अपने गार्डनरी में शामिल करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे वृक्ष के बारे में जिसको लगाने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है, वो है नारियल का वृक्ष। नारियल का वृक्ष जब आप घर की बाउंड्री में लगाते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। इस वृक्ष के लगाने से आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा के साथ साथ आपके जीवन में मान सम्मान की भी बढ़ोतरी होती है, तो आप अवश्य ही नारियल का पेड़ अपने घर की बाउंड्री में लगाएं, जिससे आपकी घर की एक चारों तरफ एक दीवार जैसी भी बन जाती है, प्लस आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा के साथ साथ आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, अभी मैं आपको और एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगी जिसके लगाने से आपके घर के वातावरण में शुद्धता का समावेश होता है। जी हाँ, नीम का वृक्ष। बहुत जन कहते हैं कि नीम का वृक्ष आपके घर के परिसर में नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि नीम का वृक्ष का औषधीय एवं आयुर्वेदीय बहुत ही गुण है, और इस वृक्ष को लगाने से आपके घर का वातावरण, जो आपके घर का ऑक्सीजन का लेवल है, वो भी अच्छा रहता है। ये जीवाणु कीटाणु को भी ख़त्म करता है। अगर आप इस पेड़ को अपने घर के वायव्य कोण में यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा में लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे परिणाम देता है, तो आपको अवश्य ही घर में नीम का पेड़ लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बात किए जिससे आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा के साथ साथ धन समृद्धि की प्राप्ति होगी, आपके घर के वातावरण में शुद्धता प्राप्ति होगी, साथ ही आपको मान सम्मान की भी वृद्धि होगी, और आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा हमेशा ही प्रवाहित होगी। तो इन सब वृक्षों को और पौधों को आप अवश्य ही अपने गार्डनरी में शामिल करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे वृक्ष जो आपके जीवन में शुभता लाता है, सकारात्मक ऊर्जा को बहाता है और आपके घर में वास्तु से जुड़े हुए दोषों को भी निवारण करने में सक्षम रहता है। दोस्तों, इस तरह की और भी रोचक जानकारियों के लिए आप अवश्य ही मैसेज करें और हमारा प्रोग्राम देखना ना भूलें, तकदीर बदलनी है, और इसके लिए लाइव टीवी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही मैं आज का ये एपिसोड ख़त्म करती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।